हाय एवरीवन, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30, तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज का वेदर देख सकते हैं, पीछे का एकदम पूरा घना कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ फॉग ही फॉग दिखाई दे रही है। देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए हमारे साथ वीडियो पे ऐसे ही जुड़े रहिए। और आज का हमारा वीडियो मेरा भाईगना शूट कर रहा है कैमरा, तो चलिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से अपने एक दादी के घर जाने वाले हैं, एक काम है वहाँ पे। क्या काम है वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। और मेरा भैगना भी देख सकते हैं एकदम बूढ़ा जैसा, पूरा पगड़ी बांध लिया। ठंडा लग रहा है, लग रहा है ना, देख सकते हैं इतना हम लोग सेफ्टी में, फिर भी कितना ठंडा लग रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, सीधे आपको अपने दादी के घर ले चलते हैं ना। चलो, और भैगना भी आज हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पर आए हैं, और पिकनिक वाला तो पूरा डांस किए थे ना, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार का है हमारे गांव का, देख सकते हैं इधर पूरा घना कोहरा में डूब चुका है हमारा बस्ती आज। और भाई ना आगे आगे जा रहा है, और ये रहा, यहीं पे आए हैं गादर सब्जी बनने के लिए। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने दादी के घर। और इधर देख सकते हैं भैगना दीवार चढ़ चुका है, और यहाँ पीछे एक पपीता का पौधा है, यानी पेड़ ही है। तो पपीता तोड़ने के लिए आए हुए हैं आज, पपीता का सब्जी खाने का मन किया, तो चलिए बने रहिए। तो दोस्तों चलिए अब गिराते हैं, देख सकते हैं पूरा टाइट है एकदम। फाइनली गिर चुका है हमारा एक पपीता। हाँ रे भाई ना, ना किया। और ये रहा हमारा पपीता, देख सकते हैं कच्चा है कि पका, देखो ये। तो दोस्तों ये रहा हमारा पपीता, देख सकते हैं इसी का सब्जी बनेगा आज। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने एक पपीता तोड़ लिया है, और लगभग 1 किलो का है। और इधर दिखाते हैं भैगना एक अमरूद के पेड़ पे चला गया है अमरूद तोड़ने। ऐसा नहीं पढ़ा, बढ़िया से तोड़ा, बढ़िया से। अरे वो गिरल हुआ है वो अमरूद। और दिखाते हैं कहाँ पे दिखा अमरूद, देखो कहाँ है, कहाँ है अमरूद दिखा। ओ हाँ, दिख चुका है हमें। तो चलिए तोड़ देते हैं भैगना के लिए अमरूद। लो पकड़ो इसे। और दोस्तों देख सकते हैं ऊपर में एक अमरूद है, काफी बड़ा है, 2 ठो है। एक तो हम खाएंगे बड़ा वाला, छोटा बैगन को देंगे। तो देख सकते हैं फाइनली हमने तोड़ लिया 2 ठो अमरूद भी सुबह सुबह, यही हम लोग का ब्रेकफास्ट होगा। हाँ हाँ, ऊपर में एक ठो और है। लो छोटा वाला तुम खा, छोटा पार्टी बड़ा धमाका ना। और देख रहा है बैगना, दिखाई दे रहा है और कहीं एक ठो है वहाँ। चला छोड़ दा। तो दोस्तों चलिए बने रहिए, और पपीता लेते आओ ठीक। ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंड लेकिन जबरदस्त का है। सो गाइस, फाइनली धूप निकल चुकी है, और अभी बैठे हुए हम लोग यहाँ एक बारी में, नीचे गिट्टी है, और काफ़ी मस्त लग रहा है धूप लेते हुए, विटामिन डी। और यहाँ पे उमेश है और आशीष है, अभी सबसे अपने हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। अभी मेला करीब, हाँ मेला अभी आने वाला है, तो उसी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन।
शॉपसी ऐप में काफ़ी सस्ता सस्ता में आ जाता है, 150 रुपये में जूता जीन्स। चलिए दिखाते हैं मोबाइल का डिस्प्ले आपको क्या क्या हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अपने लिए शूज सिलेक्शन कर रहे हैं। कितना प्राइस का ही वाला 348। सो गाइस फिर से आ चुके हैं एक बार छत के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं हमने धान को सूखने के लिए दिया हुआ है और काफ़ी सारे कबूतर आके खा जाते हैं, इसलिए अभी देखभाल कर रहे हैं अपने धान का। अब चलिए यहाँ से जाते हैं बारी सिम तोड़ने के लिए, तो बने रहिए। पूरा छत में धान ही धान रखा हुआ है चारों तरफ और देख सकते हैं अभी का वेदर काफ़ी मस्त लग रहा है, एकदम खिला खिला धूप निकला हुआ है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपना सिम बारी, अब दिखाते हैं सिम बारी का नज़ारा। और यहाँ पीछे देख सकते हैं एक दो ठो लहार भी है यहाँ पे और देख सकते हैं काफ़ी सारे फले हुए हैं। इसका दाल होता है राहड़ दाल और यहाँ एक आगे भी है, दिखाते हैं देख सकते हैं यहाँ भी एक ठो है और काफ़ी गादर गादर है। तो चलिए सिम तोड़ते हैं, इधर सिम लाते और पीछे रहा ये सिम ला। तो चलिए अब सिम तोड़ते हैं, तो तब तक आप लोग बने रहिए। और यहाँ एक फूल का भी पौधा है देख सकते हैं, चिलूम बोलते हैं हम लोग गांव की भाषा में से। ये मेरा छोटा सा बगान, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली सिम तोड़ के आ चुके हैं और दिखाते हैं कितना सिम तोड़े हैं, देख सकते हैं पूरा एक बाल्टी है, लगभग 1.5 से 2 किलो होगा। और इसको सब्जी भी बनाना है और छिलका रोटी भी बनाना है चावल का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। हाँ पूरा गादर गादर दिखाते हैं, देखिए एकदम पूरा दाना भरा है ना, पूरा दाना एकदम बड़ा बड़ा हो गया है। खाने में काफ़ी मस्त लगता है इसका छिलका रोटी, और आप लोग खाए हैं कि नहीं कभी बताना। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। तो गाइस एक बार आ चुके हैं फिर से अपना आलू बारी, चलिए सबसे पहले मुरई खाते हैं। मुरई जो कि सारे मुरई बुढ़ा गए हैं पूरा एकदम। और अभी यहाँ पे हम लोग खेत बनाए थे 2 दिन पहले, जो कि अभी यहाँ पे प्याज का दाना लगाना है, गाछी करना है प्याज का। वैसे तो गाछी मिल जाता है बट पूरे बारी में लगाना है, तो काफ़ी सारा फेड़ का जरूरत पड़ेगा, तो सोचे चलिए दाना ही दे देते हैं। देखते हैं अब मुराई मिलता है कि नहीं। तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, देखिए मुराई का क्या हाल हो चुका है, बस खाने के लिए एक मुरई ढूंढ रहे हैं। मुरई मुरई चलिए मिल गया, इसी को खाते हैं साफ करके। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं खेत बना दिया है और रहा पीछे मच्छरदानी, इधर डायरेक्शन दे रहे हैं सभी लोग। और ये रहा सरसों का फूल, बस छोड़ दी, बस हल्के हल्के रह दी। 150 टका अरे पियर फराक वाले प्यार के, सो गाइस फाइनली देख सकते हैं पीछे हमने 2 खेत लगा दिया है दाना प्याज का दाना।
और देखिए ऊपर से लगा दिए हैं, मच्छरदानी दे दिए हैं ताकि पक्षी दाना ना खा सके, क्योंकि काफ़ी सारे चिड़िया आते हैं दाना चुगने के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो पे।